आप मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दिखूंगा थोड़ी देर में, उससे पहले कि आपको बस मैं थोड़े से रूल्स समझा दूं। सर हेलो, रजत सर। हाँ बोलिए। सर मेरी मैंने 2 टिकट बुक की थी। आप नो पैनिक मत होइए, कोई सर। बात नहीं, आपको आपको मैसेज आ जाएगा अभी, आप ठीक है, परेशान मत होइए, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद इतना परेशान मैंने किसी आदमी को पहली बार ही देखा है। आई एम जस्ट हैप्पी कि आप लोग आए। गीतांजलि जी कैसी हैं आप? हाय हाय रजत, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। आप शायद लास्ट वाले शो में भी आए हो, पिछली बार भी शायद। मैं आई थी 1 महीना पहले, आराम। बस बस, मैं 30 दिन मैं कैलेंडर पर रोज काट रहा था कि कब आओगे आप, और आज आज फाइनली वो दिन आ ही गया। गीतांजलि जी सी फाइनली, कोई सी बात नहीं। हाँ गीतांजलि जी बस आपका जहां भी आपने कैमरा रखा, मोबाइल से देख रहे हो आप आराम से रख दीजिए एक सुनो हाथ। सुनो, वो टेढ़ा करके एंगल बहुत अच्छा आता है, इसलिए आई वांट टू शो द बेस्ट प्रोफाइल टू यू। तो फिर आप दिखो ही मत, फिर तो आप दिखो ही मत, नहीं होगा फिर हमारी प्रोफाइल में, वो ना गलत बोल रहा हूं। आप स्क्रीन ऑफ कर दो, आप स्क्रीन ऑफ कर दो, इतनी ब्यूटीफुल लगोगे मैं तारीफ में 15 लाइनें बोल दूंगा आपकी। और आप सेक्रेटरी से, जहां तक मुझे याद है, हाँ मैं कह रहा हूं जो भी व्यक्तिगत समस्या, प्यार में नाकामी, रिश्ते ना होना, नौकरी वशीकरण, सौतन से छुटकारा, आपको कुछ भी करवाना हो, गीतांजलि है हमारे बीच में। वशीकरण आकांश, ये आपने बाल करवाए हुए हैं, कोई सी रीजन से कराए हुए हैं? बिल्कुल गर्मी ज्यादा लग रही, चुड़ा दी मैंने। नहीं, मुझे लगा तुम बाल नहीं, तुम आदमी उड़ा के आए हो, इसलिए तुमने मेकओवर किया अपना, ताकि पता ना लगे। यूपी में पॉसिबल तो है। अरे हाँ, और आप देख रहे हो बार बार ना, ये बार बार अपने बालों पे ऐसे हाथ मार रहा है। वो नहीं होता, वो जो वेलवेट का कवर नहीं होता, वेलवेट का कवर आप ऐसे दर्शन करते हो, ऊपर नीचे कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक प्लेयर हूँ मैं। कोई बात नहीं। आकांक्ष, इसको कहते हैं सस्ते नशे, इसको ट्रिप नहीं कहते, ओके? ट्रिप कहते हैं गीतांजलि को, जो कि ट्रिप पे है वो। मंदी भाई, आप भी इंजीनियर हो क्या आप? नहीं, सर मैं एक सेल्समैन हूँ सैमसंग में। अरे कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मंदीप, सैमसंग में कौन से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं सर, मोबाइल्स में। मोबाइल्स में, ओके ओके। हर किसी का सैमसंग का मोबाइल थोड़ी ना होता है। कईयों के नहीं पास होगा। एप्पल सा भी होता है। हाँ, कई लोग 500 रुपये लेते हैं बात सुनने के। आपके पास एप्पल होगा। हाँ, गीतांजलि पूछ रहा है आपके कौन सा फोन है, आईफोन है, हाँ है तो आईफोन ही। देख रहे हो? यही अंतर है, हम वो जो सैमसंग तुम वाले को 500 रुपए आईफोन देते हो ना वाले। सुनने के, उसमें 400 रुपये आईफोन की लेती हैं। पहली बात तो मैं 500 नहीं लेती हूँ, 1,000 रुपया लेती हूँ 20 मिनट सुनने का, ओहो, ठीक है? अगर ओपीडी में आते हैं तो हम लोग 1,500 रुपया चार्ज करते हैं 30 मिनट का। और देख रहे हो दोस्तों, भगवान करे हमें कभी जरूरत ना पड़े गीतांजलि की। अच्छा सर, मैं भी मैंने चाहती भी हूँ था। किसी को ना ही पड़े जरूरत, हम सही चाहते बात हैं गीतांजलि भूखी मरे। कोई बात नहीं। पार्थ भाई, आपका फ्रेंड कौन सा है, किरणदीप। कहाँ पर, कौन? किरणदीप अरे किरणदीप, अच्छा किरणदीप बहुत टेंशन में गया था आपके। अच्छा या मैंने देखा देखा था आपने, रो पड़ा था, ये रो पड़ा था ऐसे कर रहा, कह रहा मेरी फ्रेंड को अगर आपने नहीं लिया तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। किरणदीप, अलग अलग, व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन यू एंड पार्थ? पार्थ बताएगा आपको। पार्थ प्लीज। हम दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड। बस मैं बता दूं, पार्थ एक जवान लड़की और एक घटिया लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये कहावत सुनी है आपने, पुरानी फिल्म में आई थी, पुरानी फिल्म में आई हुई पुरानी। सेम कॉलेज में थे हम लोग। थे, अच्छा कॉलेज पास आउट हो गए, इसकी सप्लाई आई हुई अभी तक पास नहीं हुआ होगा ये। पीछे था वैसे भी, हाँ एक साल पीछे था वैसे भी वो। तो सीनियर है आपके, आप सीनियर हो उसके? मैं सीनियर हूँ यार। ओह माय गॉड, पर पार्थ का डेडिकेशन बहुत हार्ड है आपके लिए। लाइक आर यू डेटिंग समबडी? Yeah, I'm talking to someone, yeah. क्या होता है? एक्सप्लोरिंग, शी इज एक्सप्लोरिंग।
या गीता पर कोई बात नहीं करंदीप, भगवान करे आपका, कोई बात नहीं, मतलब अभी कंफर्म, मतलब रजिस्ट्री नहीं हुई है? आई नो यू आर यंग, सो क्या देखते हैं आप एक लड़के में अच्छी क्वालिटी, एक एक जेंटलमैन में? लाइक मेरे को बोर ना करे. आपको बोर ना करे तो गुदगुदी करता रहे, बीच में गुदगुदी करता रहे आगे आपको. Oh God. बोर मतलब किस तरह से बोर, बातों से बोर, ऐसा कुछ? या बातों से बोर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, और उसके अलावा मतलब टॉकेटिव चाहिए तुम्हें? टॉकेटिव बिकॉज आप इंट्रोवर्ट लगते हैं मुझे थोड़े से. यस यस या या ओके ओके. पार्थ, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है? पार्थ डू यू वर्क? पार्थ नो नो नो, आई विल जॉइन अ शिप नेक्स्ट वीक. यू विल जॉइन अ? आई एम इन मर्चेंट नेवी. ओ माय गॉड, फिर तो यार 6 महीने का ही हो सकता है तुम्हारा रिश्ता. बाकी 6 महीने तो फिर बोर ही होगा इंसान, ये तो है. उसको ऐसा ही चाहिए. तभी तुम कर रहे हो मर्चेंट नेवी. मैं नहीं बट वो ऐसा ढूंढ रही है. किरणदीप, और कोई क्वालिटी? या आई मीन ग्रोथ में हेल्प करे. एंड ग्रोथ में मतलब रो जो हॉर्लिक्स गोल के दे. किरणदीप ने कहा था कि उनको चाहिए वो लड़का जो ग्रोथ में हेल्प करे. तो तुम्हारी ग्रोथ तो करा ही रहा हूं मैं खींच के. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात नहीं. सोनाली, डू यू हैव किड्स? यस. हाउ मेनी? 1 8-year-old son. अरे अब 8th हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6th-7th क्लास में आ गया होगा ऑलमोस्ट. नहीं, 8-year-old, 3rd क्लास. सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा ओके. कोई नहीं मैम, मुझे लगा बीकॉम करने लगा होगा अब तो. मुझे लगा कि अब तो वो सेक्रेटरी बनने वाला होगा और 1000 रुपए लेने लगा होगा 20 मिनट के. लगा ऐसा. सेक्रेटरी रखूंगी उसके सामने ऑप्शन, अब पता चला है कितना मिलता है. गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गीतांजलि, किरणदीप, पार्थ. ताली बजाओ यार, बहुत ही प्यारे लोग हैं. आराम से थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं. बहुत ही प्यारे लोग आप लोग, सुन रहे हो, आराम से मजाक कर रहे हैं, ठीक है. हर्ष दोषी जी, एक बार शक्ल तो दिखा दीजिए. ऐसे कैसे हरजाई बन गए आप हर्ष? एक बार आजा. नहीं आएगा. कोमल, फटाफट चलते हैं इसके घर. ठीक है, चलो कोई बात. चलो हर्ष, आप आर यू देयर? एक बार हाँ या ना तो बोल दो बस. नहीं. कोई बात नहीं, हर्ष को हम देखते हैं. अच्छा, हर्ष ने नीचे मैसेज किया है. यस. हर्ष, इससे हमें पता लगा है कि तुम्हारे हाथ तो हैं. चलो एक गेम खेलते हैं. वी विल जस्ट इमेजिन हर्ष किस उम्र का होगा. चलो एक रैंडम गेस. 15 22 25. चलो 25, मतलब 15 से 25 साल के बीच का लड़का है, ठीक है. दाढ़ी है या छिला हुआ अंडा है? दाढ़ी है. चलो कुछ का दाढ़ी, ठीक है, कुछ का, ठीक है. ओके, हम आ गए यार, हम स्केच बना रहे हैं. ये संदिग्ध व्यक्ति है हमारे बीच में, तो हम स्केच बना रहे हैं. हम उसने 2 हंसते हुए इमोटिकॉन भेजे, हंसते हुए इमोटिकॉन भेजे चैट में. सुन रहा है. अच्छा निकालना. अच्छा
कपड़े पहने हुए नहीं पहने हुए मेजोरिटी कह रहे नहीं पहने हुए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेजोरिटी के साथ हमारे साथ ठीक है ठीक है। और अब आप क्या जान सकते हैं इसके बारे में, मतलब यस ही इज़ हियर गीतांजलि, तुम अपना मोतियाबिंद का इलाज कराओ। मुझे एक टाइम पे चार ही लोग दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं? हाँ, आप तो देख लिया मैंने उसको। हाँ हर्ष मुझे दिखा दो। शेव करवा के रखा हुआ अभी तो। मुझे लगा तुमने अभी फटाफट शो से पहले शेव कर, अभी हाल शेव कर लिया बीच में ही करते करते। हर्ष क्या कर रहे हमें तो शर्माने की बात क्या है इसमें? एमबीए में खत्म, फाइनल एग्जाम बाकी है खाली। और जॉब लग गई। लग गई फाइनली। अरे कांग्रेचुलेशन, ताली दे दो, ताली बजा दो भाई बेचारे को, बहुत सही कर गया। चलो फाइनली कुछ कर रहे हो, देख लो हमने आखिरी में देखो पावर, यूनिटी की पावर तो होती है हमारे में। अरे कोई बात नहीं किरणदीप, अ बॉय हु इज लिटिल एक्सट्रोवर्ट बट एंड विद अ प्रॉमिसिंग करियर। किरणदीप पास्ट इज पास्ट एंड पार्थ इज पार्थ। पार्थ ठीक तो हो तुम? बस बढ़िया। पर एक तुम्हारे पार्थ, तुम्हारी तुम्हारे विंडो से धुआं क्यों निकल रहा है? विंडो है ही नहीं। नहीं मतलब जो जूम की विंडो है। इट्स ओके यार, इट्स ओके। जिंदगी में किरण, उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। So, आप बहुत ही प्यारी ऑडियंस, गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत ही प्यारी ताली जा सकते दूसरे के लिए। By this, I just gonna end my show. मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग ये पहली बार शो देख रहे हैं, जैसे आपने ये देखा रजत चौहान लाइव, ये एक अलग स्टैंड अप कॉमेडी शो है। और एक दूसरा शो है जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी 9211, वो दूसरा शो है। तो आपने अगर ये शो देख लिया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक डेढ़ साल ये शो ना देखें, क्योंकि इसको मैं और बेटर करूंगा और परफॉर्म करता जाऊंगा। अगर आपके पास कभी दोबारा मौका मिले, टाइम है आपके पास, तो दूसरा शो देखिएगा जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी 9211। अगर आप जॉब करते हैं तो वो काफी रेलेवेंट है जॉब वालों के लिए। मैंने तो दोनों देख लिया, अब मैं क्या करूं? आप नस काट लीजिए।